अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने लिए एक घर पे बैठे बैठे फ़ोन से ही कैसे टिकट निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि IRCTC पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो फिर इस वीडियो को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर नहीं पता है, अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है IRCTC का, तो आपको क्या करना है, पिछले वीडियोस को ज़रूर फॉलो कर लेना है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। या फिर आप सिंपली सर्च कर लीजिए आप इस चैनल पे, आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अकाउंट ज़रूर क्रिएट कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, एक से पूरा एकदम शुरू से आखिर तक देखेगा तो मैं एक टिकट निकाल करके पूरा सक्सेसफुली मैं पेमेंट करके मैं बताऊँगा पूरा डिटेल्स। आपको इसके लिए फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ उसी तरीके से आप उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके, प्रोसेस को यूज़ करके आप अपने लिए एक सक्सेसफुली टिकट निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और उसके बाद में फॉलो करते हुए जाने। पहली बार आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देख लेना है, दूसरी बार में आप उसको फॉलो करते हुए यानी आप उस प्रोसेस को अप्लाई करते हुए आप जाइए आगे, ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए और आप अप्लाई करके आप अपने लिए सक्सेसफुली घर बैठे बैठे टिकट निकाल पाएँ। जी हाँ, तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको IRCTC जो एप्लीकेशन है आप इसको ओपन कर लीजिए, IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन। इसको ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है लॉगिन का, पहले आप लॉगिन कर लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप लॉगिन कर लिया कीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर पिन मांग रहा है, सिर्फ पिन ही मांग रहा है। अगर आपके पास में लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, उसके बाद में ये पिन मांगेगा, फिर पिन यहाँ पर डालिएगा। अगर नहीं पता किस तरीके से लॉगिन करना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी ID है तो फिर ये आपके लिए है वीडियो, आप टिकट निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में ID नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगा किस तरीके से IRCTC के लिए ID क्रिएट करते हैं IRCTC एप्लीकेशन के लिए, ताकि आप अपना टिकट निकाल सकें। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो देख लेना है और ID मतलब के रजिस्टर कर लेना है आपको यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ें नज़र आ रहा है कैप्चा आप वहाँ यहाँ पे फिल कर दीजिए। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, इसके बाद में मैंने ये डाल दिया। अब आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद में अब आपको क्या करना है, जी हाँ, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप देखते जाइए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है प्लान माई जर्नी, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। तो जब इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कहाँ से आप जाना चाहते हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो जी हाँ, तो मुझे जाना है फ्रॉम कहाँ से जाना है, तो मुझे जाना है पुणे से, पुणे जंक्शन। मैं यहाँ पुणे सेलेक्ट कर लिया। डेस्टिनेशन कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो डेस्टिनेशन में जो होगा मेरा वो होगा पटना। जी हाँ, मैंने पटना डाल दिया, पटना या पाटलिपुत्र। अब यहाँ पर किस तारीख को आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डिपार्चर डेट जो है वो आप चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आप, मैं अगले नेक्स्ट मंथ में जाना चाहता हूँ 20 तारीख का, तो मैं 20 तारीख को देख लेता हूँ और मैं ओके पे क्लिक करूँगा। और सिंपली आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है, सर्च ट्रेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च ट्रेन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जितने भी ट्रेन होंगे सारे का लिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ट्रेन नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो COVID-19 का जो सिचुएशन है इसके अंदर में जो है कुछ ही ट्रेन जो है वो चल रहे हैं, तो गिन चुन के जो ट्रेन हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही ट्रेन नज़र आ रहा है, सिंपली आपको क्या करना है, इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर किस मतलब के कौन सा आपको चाहिए, कौन सा सीट आपको चाहिए। तो मुझे 3 टीयर वाला जो है यानी 3 AC वाला मुझे चाहिए, तो 3A मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपको किस डेट में जाना है। यहाँ पे 5 डेट बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 डेट जो है वो दिखा रहा है 20 से लेकर के 25 तारीख तक का। तो सभी में कितने कितने अवेलेबल है सीट्स यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डेट को आपको जाना है। तो जिस भी डेट को आपको जाना है वो डेट आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे बुक नाउ का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बुक नाउ पे आपको क्लिक करना है। सिंपली जब आप बुक नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे आपको कन्फर्मेशन, आपको एक मैसेज आएगा कि भाई आपको जो भी एडवाइजरी है आपने उसको पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ समझ चुके हैं आप, इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यस मैं एग्री करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रहा है आप इसको पढ़ लीजिए और यहाँ पर आप IAGREE पे क्लिक कीजिए। तो मैं सिंपली IAGREE पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है वो कन्फर्म सेलेक्टेड ट्रेन यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने स्टेशन कोई और चूज़ कर रखा है लेकिन जाना कोई और चाह रहे हैं, जो भी डिपार्चर डेट मतलब कि जगह है।
तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपने, मैंने यहाँ पे जो सर्च किया था वो मैंने सर्च किया था पटना का, बट यहाँ पे मैं दानापुर का ले रहा हूँ, तो मैं दानापुर भी जा सकता हूँ। मैं दानापुर का इसका मैं सिंपली मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, कन्फर्म पे क्लिक कर लूँगा। आपको भी कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बता रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन कि नो कंसेशनल टिकट्स अलाउड फॉर दिस ट्रेन कोटा क्लास। जी हाँ, कंसेशनल जो टिकट्स होते हैं वो अलाउड नहीं है इस ट्रेन के लिए। तो आपको क्या करना है, ओके कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पैसेंजर्स ऐड करने हैं, कितने पैसेंजर्स आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में जो एक ही पैसेंजर है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं उनका नाम डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया MD आशिफ, मुझे इनका टिकट निकालना है। एज क्या है, तो 19, मेल है फीमेल तो मेल। और यहाँ पे जो है बर्थ आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, साइड लोअर का जो बर्थ है वो सही रहता है, इसलिए मैंने उसको चूज़ कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड पैसेंजर, तो मैंने ऐड पैसेंजर पे क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, तो आप इस मोबाइल नंबर को चाहो तो चेंज कर सकते हो, ताकि इसके ऊपर में मैसेज जाए आपका PNR नंबर वगैरह। अब आपको नीचे जाइएगा, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर नज़र आएगा एड्रेस। अब यहाँ पर जो है रिजर्वेशन चॉइस है, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई खैर कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपली एड्रेस लाइन 1 में आपको जाना है, यहाँ पे आपको गांव का नाम डाल देना है, या फिर आप अपने जिस भी गांव में रह रहे हैं, जिस भी जगह पर रह रहे हैं, उस जगह का नाम डाल दीजिए। पिन कोड आप डाल दीजिए, 84 54 15 मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जो सिटी है वो सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो भी आप पिन कोड डालिएगा उसके हिसाब से सिटी आ जाएगा। यहाँ पे जो है स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, पे थ्रू क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे करेंगे तो 30 रुपये आपको देना होगा प्लस GST, और अगर आप भीम या UPI के थ्रू करते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपये और प्लस GST देना पड़ेगा, 10 रुपये का डिस्काउंट है। और तो अब मैं क्या करता हूँ कि पे थ्रू भीम UPI पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, तो आप सिंपली यस कर दीजिए, क्योंकि 49 पैसे में ही आपका जो है पर पर्सन आपका ट्रैवल इंश्योरेंस बन जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, रिव्यू जर्नी डिटेल्स आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। तो सिंपली रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सारा चीज़ सारा इन्फॉर्मेशन बता देगा कि आखिर आपका जो टिकट है कहाँ से कहाँ तक का बना है, और उसके बाद में कौन कौन पैसेंजर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रहा है, तो आपको वो देख लेना है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए सही तरीके से। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ सही तरीके से, फिर उसके बाद में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो आपने यहाँ पे सारा चीज़ चेक कर लिया कि भाई हाँ मुझे जाना है, तो जी हाँ मुझे यहीं से जाना है, कि ठीक है मुझे जाना है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है पुणे से दानापुर ही मुझे जाना है, तो ये ठीक है मेरा। और इसमें कितने पैसेंजर्स हैं, यानी कितने चाइल्ड और कितने एडल्ट हैं, तो एक एडल्ट है, चाइल्ड कोई नहीं है। और जो हमारा जो बॉगी जो है वो हमारा AC रहेगा 3 टीयर वाला, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे मैंने डाल रखा है कि हाँ एक ही पैसेंजर है, उसका नाम भी सही है, और उसके बाद में यहाँ पे ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है वो भी ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो IRCTC का जो लोगो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि IRCTC लोगो पे में आप क्लिक करके इसको वैलिड कीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, IRCTC के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये वैलिडेट हो जाएगा। तो कभी कभी यहाँ पे कैप्चा नज़र आएगा, तो कैप्चा डालना होता है, तो यहाँ पे वैलिडेट करना था क्लिक करके, तो मैंने वैलिडेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अलर्ट बता देगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में आप यस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, भीम UPI का इस्तेमाल करके आपको पेमेंट करना है। मैं इसको सेलेक्ट करके पेमेंट करूँगा, तो सिंपली मैं इसको चूज़ कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से सिंपली मैं पे कर दूँगा। तो जैसे आप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको UPI ID पूछेगा, तो मैं यहाँ पे UPI ID डाल दूँगा, मेरा जो UPI ID है। तो UPI ID जो है मैं डालूँगा अपने क्या बोलते हैं कि गूगल पे का, तो मैं इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अब्दुल रहमान जी बैंक @OKAxis, ये मेरा UPI है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है पे का जो बटन नज़र आ रहा है, आपको सिंपली पे के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में क्या है कि कुछ मतलब कि इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करना है। सिंपली आपको क्या करना है, मैं गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। सिंपली मैं गया यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया। अब आपको इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद में आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप नज़र आएगा। जी हाँ, एक पॉपअप आएगा। अगर पॉपअप नहीं आता तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे है जो आपको एक मैसेज भी आ गया आपके नंबर पे, जो भी रजिस्टर्ड नंबर होगा यानी जो भी आप इसके अंदर में नंबर दे रखे होंगे गूगल पे के अंदर में, वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई पॉपअप नज़र नहीं आता है ठीक, तो अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा बिजनेस एंड बिल्स डिटेल्स के अंदर में, IRCTC ऐप, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक नज़र आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पे का आ गया एक, आपको यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा कि भाई इसको पे कीजिए। सिंपली आप पे पे क्लिक कीजिए, मैं इसको पे पे क्लिक करता हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है प्रोसीड टू पे, और यहाँ पे आप अपना UPI पिन डाल दीजिए। तो मैंने UPI पिन डाल दिया, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और वहाँ पर जैसे ही उस एप्लीकेशन को ओपन करके रखिएगा वैसे ही यहाँ पे जो आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ रिवार्ड मिला तो ये रिवार्ड खैर आता रहता है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है IRCTC। जैसे आप उसको ओपन कीजिएगा तो प्रोसेसिंग पेमेंट, आपका प्रोसेसिंग जो पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग में है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर में, और आपको PNR नंबर वगैरह, सीट नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर नज़र आ गया आपका PNR नंबर, यहाँ पर नज़र आ गया कहाँ से कहाँ तक जाना है, कब जाना है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कब जाना है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो कंफर्म हो गया किस बर्थ में कंफर्म हुआ है, तो कौन सा कोच है, तो कोच ये है, बर्थ कौन सा है ये है, और जो बर्थ टाइप जो है वो कौन सा है, वो अपर में आ गया। मैंने लोअर डाला था तो खैर उसमें अवेलेबल नहीं था, इस वजह से उसने अपर दे दिया है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अब आपको क्या करना है, नीचे में आकर के आप इसको देख सकते हैं कि कितना आपका चार्ज लगा है। तो यहाँ पर आप अपने चार्ज को देख सकते हैं कितना आपका चार्ज लगा है, किस किस चीज़ का चार्ज कितना लगा है। तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स को देख सकते हैं, और आप अपने टिकट को सेव करने के लिए गैलरी में सेव करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव टिकट पे क्लिक करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये मेरा सेव हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करके आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो मैं सिंपली इसको शेयर कर दूँगा। तो मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 3 फिंगर के साथ में स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो मैंने 3 फिंगर के साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया, और इस स्क्रीनशॉट को मैं अपने दोस्त को भेज दूंगा। ओके, इस तरीके से आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। तो आपका PNR नंबर हो गया, आप इस PNR से आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो मेरा तो कंफर्म है, तो स्टेटस चेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोई भी डाउट रहता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो सिंपली आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और डायरेक्ट मैसेज कीजिए।